अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ है। अचानक जब आप कोई जो बड़े हमारे यूट्यूबर हैं या जो चैनल्स हैं, जब आप अपने मुल्क में टीवी चलाते होंगे तो अचानक आपको दिखाई देता होगा कि करोड़ों नहीं अरबहा टिड्डियों ने हमला कर दिया ज़रात के ऊपर, फसलें खा रही हैं, दरख्त खा रहे हैं, घास खा रही है, आपकी दालों की फसलें खा रही हैं, सब्ज़ा खा रही है, आपकी ग्रीनरी खा रही है। ये हमला किसने कराया? सबसे पहले आपके जहन में सवाल उठाता होगा, यार इस मुल्क ने करा दिया, उस मुल्क ने करा दिया। ये हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया तो खैर बहुत अच्छा है, हम अपने मीडिया की तो तारीफ करेंगे, जो आपका मीडिया है उसने चूरन बेचना ही बेचना है हमारे खिलाफ। भाई देखें, जिस तरह बड़े यूट्यूबर आपको बता चुके हैं कि ये जो टिड्डियां हैं ये किसी मुल्क से नहीं आई, ना मेरे मुल्क से ना किसी मुल्क से, भाई ये इस वक्त दुनिया के अंदर ज्यादा बारिशें हुई हैं आपके सामने, अफ्रीका में, अरब कंट्रीज में, वहां पर जब बारिशें हुई हैं, माहौलियाती तब्दीली हुई है, हवा के कम दबाव के बायस ये जो टिड्डियों हैं इनकी अफजाइश में करोड़ों अरबहा इजाफा हुआ है, ये बड़ी हैं, जब ये बड़ी हैं तो इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया है, क्योंकि ये सहराई कीड़ा है। और भाई आपको पता है कि जो हमारा मुल्क है उसमें भाई सहरा है कहाँ, ले दे के तो आपके आपके साथ हैं, अगर हम वहां करेंगे तो आप तो आपको भाई मेरे हम अगर आपको करेंगे तो हमें तो ज्यादा नुकसान होगा, हम तो खुद सफर कर रहे हैं इस हमले से, हमारी तो ज़रात खा रही है, ये हमारे मुल्क के तूल अर्ज में ये ट्रैवल कर रही है। दूसरा, आपका मीडिया चूरन बेच रहा है, वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि उसे अपने इश्तियारात बेचने के लिए और तो कोई चीज़ है नहीं उसके पास, और आपके जो बड़े बड़े एंकर साहबान हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस मुल्क ने हमला कर दिया टिड्डियों से। भाई टिड्डियाँ कोई ट्रेन होती हैं? टिड्डियों की कोई ट्रेनिंग है? भाई वो एक छोटा सा कीड़ा है जो अरब कंट्रीज से, अफ्रीका से आया है। देखिए हमारे मुल्क में, हमारे सूबों में उसका हमला हो रहा है, हमारी ज़रात खा रहा है वहीं पे। अब आप बताएं, जो हमारे से पीछे मुल्क है उससे पीछे मुल्क है क्या सब मुल्क एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने लग जाएं कि ये हमला उसने किया है, ये हमला इसने किया है, ये हमला उसने किया है। भाई ये एक आफत है, हम सबको मिलकर इसके ऊपर काबू पाना होगा, मुनासिब स्प्रे करना होगा, हिफाजत इकदाम बेहतर करने होंगे। जिस तरह आपके मुल्क में हमारे मुल्क की तरह कोई नमक लेके फिर रहा है, कोई दुआएं कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई बर्तन बजा रहा है, कोई नमक फेंक रहा है, ओ भाई ये आरजी हल है। दूसरा, इल्जाम तराशी मत करें। अच्छा, अगर खुदा ना करे टिड्डियां आपकी तरफ से हमारे तरफ आ जाती थी तो हम क्या कहते हैं, आपने हमला किया है? बिल्कुल नहीं, इस आफत का हमें आपको मिलकर एकजुट होकर मुकाबला करना होगा, और दूसरा इसी मुकाबले से ही हम इस आफत पर काबू पा सकते हैं। भाई जान देखें, ये ज़रात के अब दुश्मन है, जब आपके यहाँ अरबहा लोग हैं हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं, अगर हमारी ज़रात ही खत्म होगी तो हम खाएंगे क्या, भूख होगी हमारे मुल्कों में। दूसरा हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरा आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो आसानी से कह रही है कि ये इधर से आ गई, क्योंकि वहां पर किसानों की इमदाद नहीं कर रही। भाई आप उनके साथ हैं, आप उनके बाहर हैं, उनकी इमदाद करें, उन्हें आप पैसा फराहम करें, उन्हें आप आलात दें, बेहतर आप उनकी ज़रात को करें। दूसरा मुनासिब स्प्रे करें। देखें टड्डी अगर वहाँ पे ये महाजर परिंदा है, अगर ये वहाँ पे रुक गया, इसकी नस्ल वहीं पे परवान चढ़ती रही, तो सोचें हमारी ज़रात के लिए कितना बड़ा खतरा है। हम कब तक एक दूसरे के ऊपर अल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे? हमारे मुल्कों में बहरान आ सकता है। दूसरा एक और चीज़ है, शायद आप लोग मेरी इस बात से मुतासर नहीं होंगे, ये किसानों के अरमानों को तबाह कर रही है। हमारे और आपके जो सर्दी इलाके हैं, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में पीछे से आई, मुख्तलिफ मुल्कों से आपके मुल्क में दाखिल होगी, आपके मुल्क से एक और मुल्क में दाखिल हो जाएगी, तो भाई अब हम मीडिया जो है वो बजाय बेहतरी का आगाही के इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, प्राइम टाइम के ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ऐसी बात खुदारा ना करें, इस हमले की रोकथाम के लिए हम इकदाम करने चाहिए, आप अपनी तरफ इकदाम करें, हम अपनी तरफ इकदाम करेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ क्लियर करना था, बाकी किसी को नीचा दिखाना या किसी को गलत करना मैं हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। आप इकदाम करें टिड्डियों के खात्मे के लिए। देखें हम भी इस टाइम परेशानी में हैं इस हमले की वजह से, दूसरा आपकी ऐसी बातें मजीद परेशानी का बहस बन रही हैं।
आपकी बहुत मेहरबानी। मेरा नाम इम्तियाज़ मशहूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक करने के साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई। इसकी रीज़न टिड्डी दल के बारे में मुकम्मल मालूमात मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो इससे पहले अपलोड की है उसमें हर एक चीज़ मौजूद है। दूसरा, टिड्डी दल के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएं, हम आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ 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 उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और बेल का बटन लाजमी दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।